वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम तिलोत्तमा महाजन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट इज मैथ, लेसन नंबर 3, एचसीएफ एंड एलसीएम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्राइम फैक्टर्स मेथड एंड द डिविजन मेथड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, और दो नंबर अगर है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये हमें इस मेथड से ढूंढना है। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4-12। फर्स्ट है फाइंड द एचसीएफ, उसमें फर्स्ट है 25 एंड 40। अब 25 और 40 का हमें एचसीएफ ढूंढना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों को कौन से एक ही नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आएगी। इन सिंपल वर्ड यहाँ पे नंबर है 25 और 40, इसको इस तरह अरेंज करके लिखना है। अब 25 और 40 अगर इन दोनों को 5 ने डिवाइड किया तो आंसर यानी रिमाइंडर क्या आ सकती है, जीरो। तो 5 के टेबल में 25 कौन से नंबर पे आते हैं, 5 के टेबल में 25 आते हैं 5 नंबर पर, 5 5 जा 25। एंड 40, 5 के टेबल में 40 आते हैं 8 नंबर पे, 5 8 जा 40। देयर फॉर द एचसीएफ इज 5। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 5। अब सेकेंड एग्जाम्पल है 56 एंड 32। अब ये अलग नंबर है, थोड़े अलग नंबर है, तो हमें इन्हें ऐसा ही सॉल्व करना है कि इन दोनों की हाफ हो सकते है क्या, यानी 2 से डिवाइड हो सकते है क्या ये, हाँ हो सकते है। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 28 2 जा 56 और 16 2 जा 32। अब फिर से 28 और 16 को हम 2 से डिवाइड करें तो कौन से टेबल में 2 नंबर पे 28 आता है, 14। 14 2 जा 28 और 8 2 जा 16। और अगर हमें फिर से 14 और 8 को अगर डिवाइड करना है तो 14 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 40 और 4 2 जा 8। देयर फॉर द एचसीएफ इज 2 multiply by 2 multiply by 2 is equal to 2 2 जा 4 4 2 जा 8। Therefore the HCF of 56 and 32 is 8. Now next number is 40 60 and 75। अब ये तीनों भी ऐसे नंबर है, अगर इन तीनों को हमने 5 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो नहीं होगा, क्योंकि 75 ये 5 के टेबल में आते हैं, 10 के टेबल में नहीं आते, तो हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5, 8 के टेबल में आते हैं 8 5 जा 40, 12 5 जा 60 और 15 5 जा 75। Therefore the HCF is 5. Next 27। अब ये 16 और 27 का अगर हम इस तरह का अरेंजमेंट करके लिखते हैं तो ये दोनों भी किसी एक टेबल में आते हैं क्या, नहीं, ये तो कौन सी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ कौन से टेबल में आता है, 3 के और 9 के, और 16 3 के भी टेबल में नहीं आता तो और 9 के भी टेबल में नहीं आता। तो देयर फॉर देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इसे एक भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो एचसीएफ इज 1। ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं इस तरह। अब नेक्स्ट है 5 नंबर 18 32 और 48। इन तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 2 जा 18, 16 2 जा 32
और 24 2 48, और इन तीनों का एचसीएफ क्या आया? 2, क्योंकि अगर हम इन तीनों को डिवाइड करते तो ये तीनों भी, आप 3 से डिवाइड करते करके देखते हैं तो ये तीनों भी 3 के टेबल में आते हैं क्या? नहीं, इसलिए हम तीनों और 2 के टेबल में, 2 के टेबल से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 2 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे ये एग्जांपल फिनिश होता है और आंसर यानी द एचसीएफ क्या आता है? 2। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम 6 105 एंड 154। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 15 7 105 and 22 7 154. Therefore the HCF is 7. Next 42 45 और 48. अब ये तीनों, ये दोनों तो 2 के टेबल में आते हैं लेकिन ये नहीं आता, इसलिए हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं 42 45 और 48 को। 42 3 नंबर में कहाँ पे आते हैं? 14 के टेबल में। 14 3 जा 42, 15 3 जा 45 और 16 3 जा 48। Therefore 42 54 and 48 इन तीनों का कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या आया? 3। नेक्स्ट है 8 नंबर का 57 75 और 102। ये तीनों भी 3 के टेबल में आ सकते हैं। 19 3 57 25 3 75 and 34 3 102। Therefore the HCF is 3। अब next 777 315 and 588। ये 8 नंबर का है और डायरेक्टली मैंने 10 नंबर का लिया। जो 9 नंबर का है वो इस तरह है, कौन सा एग्जांपल है 9 नंबर का? 56 एंड 57। इन दोनों को भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 1। अब 10 नंबर का हम सॉल्व करेंगे 777 315 एंड 588। अगर हम इन्हें 3 से डिवाइड करते हैं तो 259 से डिवाइड होता है, ये 105 से डिवाइड होता है और ये 196 से डिवाइड होता है। अब इन तीनों को हम फिर से डिवाइड करते हैं तो ये तीनों भी 7 से डिवाइड होते हैं। 37 7 जा 259 15 7 जा 105 एंड 28 7 जा 196। तो एचसीएफ क्या आया? ये 3 × 7 = 21। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस द टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम 76 / 133। अब हम 76 से 133 को डिवाइड करेंगे। अब 76 के टेबल में 133 नहीं आते तो हम 1 नंबर से डिवाइड करेंगे। 133 - 76, दोनों की सब्ट्रैक्शन की आंसर आया 57। अब 57 से ये जो ब्रैकेट में 76 है उसे डिवाइड करेंगे। अब 57 के टेबल में ये 76 आता है क्या? नहीं, इसलिए फिर से 1 से डिवाइड करेंगे। अब 76 - 57 की आंसर आया 19। तो ये जो ब्रैकेट में 57 है जिससे हमने 76 को डिवाइड किया था वो 57, उसे हम डिवाइड करेंगे 19 से। अब 19 के टेबल में 57 आता है 3 नंबर पे, तो 57 - 57 = 0। देयरफॉर 76 = 19 × 4 और 133 = 19 × 7। अगर हमने 19 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 19 के टेबल में 76 आता है 4 नंबर पे और 19 के टेबल में
133 आता है 7 नंबर पे। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ 19, एचसीएफ क्या हुआ 19। पहले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ फाइंड करने का अलग तरीका देखा, अब इसमें डिवीजन की हेल्प से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने वो निकाला, वो आया 19। अब देयरफॉर अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, देयरफॉर 76 डिवाइडेड बाय 133 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय 7। 19 कट होते हैं और आंसर आया 4/7। देयरफॉर आंसर द एचसीएफ इज 19 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4/7। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू।